नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के ऐतिहासिक फैसले के बाद से भारत में एक तरफ जहां खुशी का माहौल है, तो वहीं पड़ोसी देशों को इससे मिर्ची लग रही है। खासकर दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए तो मानो ये फैसला सांप और छछुंदर के रिश्ते जैसा हो गया है, जो ना निगलते बनता है और ना ही उगलते। तभी तो गीदड़ भपकियां दे देकर कोई कभी ट्रेन बंद कर दे रहा है, तो कभी कोई बस, कभी हवाई यात्राओं को बंद कर दे रहा है, तो कभी भारतीय फिल्मों को बैन। इससे फायदा कुछ नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान ही होगा पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान के कुछ नेता प्रधानमंत्री इमरान खान सहित पुलवामा हमले फिर से कराने की धमकी दे चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान को जान लेना चाहिए कि भारत कोई ऐरा गैरा देश नहीं है जो किसी की गीदड़ भपकियों से डर जाएगा। भारत एक मजबूत देश है जिसके पास नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसा नेतृत्व है। फिर उसके बाद भारत की ताकत को भी कम आंकने की पड़ोसी देशों को गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश की सामरिक शक्ति में आधार की भूमिका निभाने वाले भारतीय वायुसेना में शामिल फाइटर जेट्स न सिर्फ दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेरने में सक्षम हैं, बल्कि युद्ध और शांति दोनों अवसरों पर अपनी उपयोगिता भी साबित कर चुके हैं। चलिए आज आपको भारत की सामरिक शक्ति से अवगत कराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुखोई 30 MKI की। भारतीय वायुसेना का सबसे प्रमुख विमानों में से एक है सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन, जिसे रूस और भारत ने मिलकर डेवलप किया है। इसके और आधुनिक वर्जन को बनाने का काम रूस के सहयोग से भारत कर रहा है। द सॉल्ट राफेल, इस लड़ाकू विमान की डील भारत ने फ्रांस के साथ की और फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी ने दो इंजन वाले इस लड़ाकू विमान को बनाकर तैयार किया। राफेल को ऊंचे इलाकों में लड़ने में महारत हासिल है। सिर्फ एक मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जाने में दसॉल्ट सक्षम है। अब बात करते हैं जगुआर की। जगुआर को फ्रांस और यूके ने मिलकर तैयार किया है। इस विमान के पास दुश्मन देश के काफी अंदर तक जाकर हमला करने की ताकत है। ये बेहद ही कम ऊंचाई से हमला कर सकता है। ये फाइटर प्लेन भारत के पास तो है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में इसकी सेवा खत्म हो चुकी है। मिराज 2000, इसकी खासियत है इसका मल्टी रोल सिंगल इंजन, जिसे फ्रांस के दसॉल्ट एविएशन ने डेवलप किया है। मिराज 2000 विमान को भारत में वज्र के नाम से जाना जाता है। इस फाइटर विमान ने करगिल युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तेजस भारत में बनाया गया एक हल्का और कई तरह की भूमिकाओं को अदा करने वाला लड़ाकू विमान है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से विकसित किया गया है। सिंगल सीट और सिंगल जेट इंजन वाला ये विमान मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसका नाम तेजस उस समय के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। अब बात करते हैं MiG-29K की। भारतीय नौसेना के लिए रूस से खरीदा गया यह सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-29K ब्रिटेन में निर्मित सी हैरियर फाइट प्लेन की जगह लिया गया विमान है। इसे साल 2018 में अपग्रेड किया गया और पहले से अब और ज्यादा घातक हो गया है। हवा में ईंधन भरने के साथ साथ ये फाइटर विमान अत्याधुनिक मिसाइलों से युक्त है और कई दिशाओं में हमला करने में सक्षम है। MiG-21, ये भारत के सबसे पुराने फाइटर विमानों में से एक है, जिसे रूस से खरीदा गया और कई मौकों पर अपनी उपयोगिता भी साबित कर चुका है। हालांकि कई बार दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से अब इसे फ्लाइंग कॉफिन माना जाने लगा है। MiG-27, ये विमान भी मिग फैमिली की ही तरह एक लड़ाकू विमान है। मूल रूप से इसे सोवियत संघ में मिकोयान गुरेविच ब्यूरो की तरफ से डिजाइन और डेवलप किया गया है। फिर उसके बाद लाइसेंस मिलने पर भारत में इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने बनाया। इसे ग्राउंड अटैक की भूमिका में महारत हासिल है। IL-76, ये रूस से लिया गया 4 इंजन वाला रणनीतिक एयरलिफ्टर विमान है, जिसे रूस के इलियशन डिजाइन ब्यूरो ने डेवलप किया। इसे फिलहाल अन्य विमानों में हवा में ही ऑयल रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। C-130J सुपर हरक्यूलस, अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बनाया गया ये 4 इंजन वाला टर्बो प्रॉप सैन्य परिवहन विमान है। ये अपनी क्लास में सबसे ज्यादा ताकतवर और नवीनतम तकनीक से लैस हथियारों वाला एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा ये चीन के साथ लगी नियंत्रण रेखा की आसानी से निगरानी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी। AN-32,
रूस में निर्मित दो इंजन वाला ये ट्रांसपोर्ट प्लेन कई देशों की वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। भारत ने ऐसे 125 प्लेन रूस से खरीदे थे। ये एयरक्राफ्ट रूसी विमान AN-26 का आधुनिक वर्जन है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत है कि किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम विमान है। तो ये है भारत के वायुसेना के बेड़े में शामिल वो लड़ाकू विमान जो जरूरत पड़ने पर किसी भी दुश्मन देश के दांत खट्टे कर सकते हैं। इसलिए दुश्मन देशों को जान लेना चाहिए कि भारत से पंगा मोल लेना इतना भी आसान नहीं है, और अगर पंगा ले भी लिया तो फिर इससे बचकर निकल पाना दुश्मन देश के लिए काफी मुश्किल हो सकता है।